नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाली है आपका एक ब्लॉगिंग टाइप का, और मैं अभी हूँ हैदराबाद अपने रूम पे, और मैं यहाँ से अभी जाऊँगा रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, वहाँ से फिर कटक उड़ीसा के लिए जाऊँगा क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है मेरा 23 तारीख को ग्रुप डी का कटक उड़ीसा में एग्जाम सेंटर दिया है। और तैयारी मेरा कुछ खास नहीं है, फिर भी जाते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और देखते हैं अपन जो होगा देखा जाएगा। और इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जो देखेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जो भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, प्लस आपका जो है एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचा जाएगा सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको डिटेल्स दिया जाएगा, क्योंकि अपकमिंग जिसका भी एग्जाम होने वाली है तो आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगा एग्जाम सेंटर तक पहुँचने के लिए। तो लेट्स गो, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो फाइनल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कटक रेलवे जंक्शन पहुँच गया हूँ, कटक उड़ीसा में पहुँच गया। अब यहाँ से मैं लॉज का देखता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर दिया है, ठीक है, उसके जो दूरी कितनी है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और यहाँ मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर कटक जंक्शन पहुँच गया, और मैं यहाँ से निकलूँगा एक लॉज खोजता हूँ क्योंकि मेरा जो पेपर है वो आपका कल है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल होटल या लॉज में ठहरूँगा, और इससे पहले मैं अपना एग्ज़ाम सेंटर एक बार देख लेना चाहूँगा कि यहाँ से कितनी दूरी पड़ते हैं, उसके अनुसार से मेरा कल थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उसके अनुसार से मैं अपना रूम से निकलूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी स्टेशन पर हूँ देख सकते हैं, और यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ लॉज। तो आपको अंदर निकास होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर आने, और यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो, आपको नज़दीक में लॉज वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। स्टेशन से जैसे ही बाहर आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑटो वगैरह आपको मिल जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो यहाँ से। लेकिन मैं अभी तो एकदम सेटर जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत थका हुआ हूँ, तो सबसे पहले मैं आप कोई होटल या लॉज लेता हूँ, थोड़ी आराम करता हूँ, देन शाम को एग्जाम सेंटर के लिए निकलूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से नज़ारा है जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी और काफ़ी धूप है, बहुत ही गर्मी है दोस्तों। ये कटक जंक्शन का मेन गेट है, गेट नंबर 1 है, और यहाँ से आप जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पर इसका मेन गेट है, और यही सामने एक आपको एक मंदिर सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मंदिर के सामने ही बस एक रोड सा कच्चा रोड सा गया है, इस रोड से आपको आने हैं, ठीक। और यहाँ से आपको लॉज वगैरह जो भी आपको देखता हूँ, लॉज अगर मिल जाता है तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कहाँ पे है, नहीं है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर दिया था वो एग्ज़ाम सेंटर फाइनली पहुँच गया हूँ। और आप अगर बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे पहुँचना है, तो आप अगर कटक जंक्शन आते हो तो वहाँ से डायरेक्ट आपको ऑटो या बस मिल जाएगा, ठीक है, ऑटो से भी आप आ सकते हैं। और रूम की बात करें तो सबसे बेटर है आपको जो है कटक जंक्शन है, वहाँ आपको काफ़ी अच्छी रेट में आपको लॉज वगैरह मिल जाएगा। और आप अगर एग्जाम सेंटर के आसपास अगर लॉज लेना चाहते हो तो काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरह से लॉज वगैरह की सुविधा नहीं है। मैं अभी फिलहाल एक नया रूम बन रहा था तो वहाँ पर अभी जो है ऐसे ही रख रहे हैं 300 रुपये पर हेड करके, अभी एक रूम में 4-5 लड़के को रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लॉज वगैरह कोई सुविधा नहीं है। आप अगर कटक जंक्शन आते हो तो वहीं पर आप लॉज वगैरह ले, वहाँ से 1 दिन अगर पहले आते हो तो वहाँ से आप लॉज वगैरह ले सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और वहाँ से आप अपना ऑटो से भी आ सकते हो, बस वगैरह से भी आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ, कैसा नहीं है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी है,
सबसे पहले आपको जो है कटक जंक्शन पहुंच लेना है। कटक जंक्शन पहुंचने के बाद आपको, आप अगर एग्ज़ाम सेंटर देखना चाहते हो तो आप आके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर हॉस्टल वगैरह या लॉज वगैरह रहना चाहते हो तो आपको कटक जंक्शन के ही आसपास में जो है लॉज वगैरह मिल जाते हैं, वहीं आपको रहना है। क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम सेंटर दिया है आउट ऑफ एरिया में, इसके कारण यहाँ पर रूम वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आप अगर एक दिन पहले आते हो तो आपको कटक जंक्शन में ही आपको रूम लॉज वगैरह में रह लेना है। और कटक जंक्शन से ये जो एग्ज़ाम सेंटर है वो 17 किलोमीटर की दूर में है, और जो कि आई थिंक 28 या हाफ घंटा मान लो आधा 30 मिनट के आसपास आपको जो है पहुंचने में आपको ऑटो के द्वारा लग जाएगा यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में। ठीक है, तो आप वहाँ से कटक जंक्शन से ऑटो से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो। आप अगर भुवनेश्वर में भी उतर जाते हो ना तो भी आपको यहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, भुवनेश्वर से भी आपको सेम ही दूरी पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। और आई होप ये सारे डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया हो, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट होता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलेंगे। जय हिंद।